Hello student, today we see the topic that is the half wave dipole antenna. It is also called as a resonant antennas. Okay, so see the one by one, that is first we see the diagram, that is the half wave dipole antenna. Okay, this is the half wave dipole antenna which has a one, it is the feed point, and this one is the open circuited for end, okay, and this one is the lambda by 2 length, okay, and second one, it is the voltage and current distribution in dipole antenna, okay. यहाँ पे जो feed points है, ये यहाँ से क्या होगा, जो भी आपका feed points में हम लोग क्या कर consider कर सकते हैं, it is a receiver, okay. So this will, it is the voltage node and current antinode, okay, and second one, it is the, this is the voltage antinode, this portion is the voltage antinode, and this portion, it is the current node, okay. This is the detail explanation of voltage and current distribution in dipole antenna, okay. So see the next diagram or radiation pattern of dipole antenna, okay, half wave dipole antenna. This is the radiation pattern of half wave dipole antenna. Again, this is the feed point, okay, and this is the radiation pattern of dipole antenna. There is a two loops on left side and right side, okay. एक एक लूप है आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज द रेडिएशन पैटर्न ऑफ डाइपोल एंटीना, ओके. इन दिस द डिस्क्रिप्शन इज देयर, दैट इज द डाइपोल एंटीना आर आल्सो कॉल्ड एज द रेजोनेंट एंटीना. रेजोनेंट एंटीना हैज़ अ लेंथ विच इज मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, ओके. इसको हम लोग दूसरा एक नाम क्या है, दैट इज द रेजोनेंट एंटीना, और जो लेंथ है इसकी कितनी रहती है, दैट इज द लैम्बडा बाय 2, ओके. ड्यू टू द वोल्टेज अप्लाइड बाय द आरएफ जनरेटर टू द फीड पॉइंट, यहाँ पे जो फीड पॉइंट है ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, जो भी आरएफ जनरेटर है वो क्या करेगा, वोल्टेज अप्लाइड करेगा. स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप एट द लेंथ ऑफ द एंटीना. जो भी स्टैंडिंग वेव्स है ये क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, सेट होगी एंटीना के ऊपर, ओके. सो द सेकेंड थर्ड पॉइंट इट इज द आउटर एंड ऑफ द डायपोल आर ओपन. ये जो आउटर एंड है डायपोल का, ओके, यहाँ पे जो आउटर एंड है डायपोल का ये कैसे रहेगा, इट इज ओपन सर्किटेड, ओके. द स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द ओपन सर्किट. ये क्या है, आपका जो आउटर पोर्शन है ओपन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, ओके. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन स्टैंडिंग वेव्स गिव्स राइज टू नोड एंड एंटी नोड्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ओके. यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या, जो भी वोल्टेज यहाँ पे होगा, मीन्स रिफ्लेक्शन होगा, उसके वजह से क्या होगा, जो भी स्टैंडिंग वेव्स है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, दैट इज़ नोड्स और एंटी नोड्स के फॉर्म में मिलेंगे, दैट इज़ वोल्टेज एंटी नोड्स एंड करंट नोड, ओके. सो सी द नेक्स्ट, that is the current nodes are obtained at the extreme ends of the antenna, whereas voltage antinodes are obtained at the upper end, okay. यहाँ पे जो दिए हैं उन्होंने, देखो क्या है, यहाँ पे current node है diagram में है, तो वो कैसे मिलेगा आपको, extreme ends of the antenna, means जो भी extreme ends है, last end जो रहेगी आपकी, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, that is the करंट नोड्स, ओके. और जो भी वोल्टेज एंटी नोड्स है वो कहाँ पे मिलेंगे, दैट इज द अपर नोड पे मिलेंगे, ओके, दैट इज
वोल्टेज एंटीनोड आर ऑब्टेन एट द अपर एंड. ओके सो दिस इज देन सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द रेडिएशन इज मैक्सिमम एट द राइट एंगल टू द डायपोल रेडिएशन इज जीरो अलॉन्ग एक्सिस ऑफ द एंटीना. ओके तो रेडिएशन कब मैक्सिमम रहेगा जब ही डायपोल क्या होगा राइट एंगल में रहेगा. ओके जो भी क्या है आपका रेडिएशन डायपोल एंटीना का रेडिएशन कब मैक्सिमम रहेगा व्हेन डायपोल रेडिएट्स इन राइट एंगल. ओके और ये जीरो कब रहेगा रेडिएशन जीरो कब रहेगा देन व्हेन अलोंग द एक्सिस ऑफ एंटीना. जब ये रेडिएशन कब होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ एंटीना होगा तभी रेडिएशन क्या होगा जीरो रहेगा. ओके सो ये रेडिएशन जो पैटर्न है ये कैसा है बाय डायरेक्शनल है. ओके जो डायपोल एंटीना है इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो कैसा रहेगा दैट इज द बाय डायरेक्शनल. ओके सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डायपोल एंटीना. ओके सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव नोट्स दैट वी सी ऑलरेडी सी इन डिटेल. ओके दीज आर द पॉइंट्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस. ओके सो दिस इज द टॉपिक टूडेज टॉपिक विल बी एंड. सो थैंक यू सो मच.